अपनी तैयारियों में जुटे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति, घोषणा पत्र समिति और जिला संयोजकों की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व वाली चुनाव प्रबंधन समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर नेताओं समेत 21 नेताओं को जगह मिली है। इसमें 5 आमंत्रित सदस्य हैं। भूगोल पूर्व मंत्री जयंत मलैया को घोषणा समिति का प्रमुख और प्रभात झा को सह प्रमुख बनाया गया है। इस समिति में 19 सदस्य हैं। इसके अलावा सभी जिलों के लिए संयोजकों की घोषणा भी की गई है। चुनाव प्रबंधन समिति में तोमर और सिंधिया के अलावा 2 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। शिवराज कैबिनेट के 4 मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इसमें जगह मिली है। बीजेपी ने यहां पर समितियों की घोषणा की है। चुनाव के मद्देनजर ये समितियां अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। जिला संयोजकों की भी यहां पर घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। शिवराज सिंह भी इसमें शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल, यानी कि कुल 21 नेताओं को चुनाव प्रबंधन समिति में जगह दी गई है। बिल्कुल, चुनाव प्रबंधन समिति घोषणा पत्र समिति की घोषणा दरअसल हो गई है। कल बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी गई है। जिला संयोजकों की भी घोषणा हो गई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कल एक बैठक हुई, समितियों की घोषणा उसमें कर दी गई है। हाँ, तो देखिए, अलावा घोषणा पत्र समिति के साथ ही चुनाव प्रबंध समिति और इसके अलावा जिला संयोजकों की जो समिति है वो भी तैयार की है। अलग अलग जिलों के लिए संयोजक बनाए गए हैं, तो वहीं टूटे हुए तमाम नेताओं को भी साधने का कहना है कि पूरा प्रयास से वो किया गया है। जयंत मलैया में आपको नजर आएंगे और अलग अलग वर्ग के जो नेता है वो नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी समय पूरी तरह चुनावी मूड में है, तो ये वजह है कि नेताओं को लगातार जो जिम्मेदारी है वो दी जा रही है ताकि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका के साथ जनता के बीच में जा सके और साथ ही साथ नेताओं को भी ट्रेन कर सके। देखिए, कहीं ना कहीं पुराने नेताओं का इस समय जाहिर सी बात है कि उनका जो एक समय रहा है उसका भी जो मार्गदर्शक है वो लेना बेहद जरूरी है। आखिर चुनाव की रणनीतियां कैसे बनाई जाती है, क्योंकि 2018 के बिल्कुल, और ये जो नाम शामिल किए गए हैं ये वाकई में जो कि काफी सीनियर लीडर्स के नाम इसमें शामिल हुए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जुड़ने के लिए। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर बड़वानी से, जहां